कोरोना के चलते गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंदी परिजन ई मुलाकात का लोकार्पण किया। इस ई मुलाकात व्यवस्था के अंतर्गत बंदियों के परिजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात कर सकेंगे। कोरोना के चलते जेलों में बंद कैदियों से अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिजन मुलाकात कर सकेंगे। इसके लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंदी परिजन ई मुलाकात का लोकार्पण कर इसकी शुरुआत की। गौरतलब है कि जेलों में कैद बंदियों की जानकारी को भारत सरकार के NIC के ई प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर पर संकलित किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में ई मुलाकात व्यवस्था का प्रावधान है। इस ई मुलाकात व्यवस्था के अंतर्गत बंदियों के परिजन वेबसाइट पर बंदियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुलाकात करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। उनके ई मुलाकात के आवेदन जेल अधीक्षक द्वारा स्वीकृत होने पर बंदी के परिजन अपने घर से ही एक स्मार्टफोन डेस्कटॉप टैब के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी से ई मुलाकात कर उनका वीडियो देख सकेंगे एवं उनसे बात कर सकेंगे। इस व्यवस्था के प्रारंभ होने से कैदियों के परिजनों को जेल पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। मध्य प्रदेश के अंदर ई मुलाकात कैदियों की शुरू की है, क्योंकि पिछले 2-3 माह से कोविड के कारण से हमारे कैदी भाइयों के स्वास्थ्य के कारण से जान सुरक्षित रहे, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, इसलिए जान है तो जहान है, जान भी जहान भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है उसके तहत अब मध्य प्रदेश में ई मुलाकात प्रारंभ की है। आज मैंने ई मुलाकात के द्वारा प्रारंभ किया है। इसमें प्रत्येक कैदी अब अपने अधीक्षक के यहाँ आवेदन करेगा और अधीक्षक महीने में एक बार ई मुलाकात उनकी, जब तक ये कोविड की दिक्कत है तब तक आगे भी रहेगा कराएंगे, और आगे भी नॉर्मल मुलाकात के बाद भी घर पर बैठ के अगर कोई मुलाकात ई मुलाकात करना चाहता है तो उसकी मोबाइल से ही मुलाकात हो जाएगी और वो बात भी कर सकता है। छोटे भैया देख रो रही बेटा, रोते नहीं, ध्यान रखना अपना, खाना पीना समय पे खाना बेटा। हेलो नाजेश बेटा, ठीक हो? हाँ मैं आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है? हाँ बेटा, ऐसा कराइए ना वीडियो कॉल, ऊपर देखो, ऊपर देखो बेटा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।